a nice place. I like the name Metro because it was close to my college, Saint Xavier. So I'm very much attached to that name because college ke baad main zarur Metro jaati thi films dekhne. And I like the color red and the color scheme is beautiful. And I wish them all the best. And I'm sure this place is going to really rock. Abhi enter hui hu, mujhe bahut acha lag raha hai. It's pretty nice. It gives a very nice feeling. And I'm really curious to know what's inside that place. मेट्रो बहुत तेज़ और करारा नाम है और हम चाहते हैं ये मेट्रो उस तरीके से करारा रहे और सभी आते रहे ऐसे कैफ़े लॉन्च रेस्टोरेंट में. और मेरी शुभकामनाएं सभी को. और मैं यहाँ हूँ सिर्फ रेहान शाह के लिए क्योंकि वो एक अच्छा मेहनती इंसान और डिज़ाइनर है और मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है. शोर इन द सिटी में आपने देखा होगा मंडू की बार अलग थी और सेंदिल की बार अलग थी. तो अभी मैं मंडू के बार में नहीं, आई थिंक सेंदिल के बार में हूँ. तो काफ़ी शोर मचेगा आज. लोकेशन बहुत अच्छी है. आई थिंक इट्स नाइस के जितने भी पब और पार्टी जॉइंट्स खुले हैं लोगों को मौका मिले कि वो शाम को आके एंजॉय करें. इट्स फ्राइडे नाइट. आई एम रियली हैप्पी टू बी आउट हियर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ गुड टाइम. जैसे मैंने एंटर किया द फील इज लवली. इट्स गॉट अ रेट्रो फील टू इट एंड द वर्ड मेट्रो इटसेल्फ साउंड्स ब्यूटीफुल. द डेकोर इज ब्यूटीफुल एंड आई गो इनसाइड एंड चेक आउट द प्लेस बिकॉज आई एम रियली विशिंग टू गो इनसाइड एंड हैव अ लुक एट द डेकोर एंड द एंटायर प्लेस. आई मीन आप इतना काम करते हो, बिजी लाइफ रहता है, कभी रिलैक्स करने के लिए बार लॉन्ज ये सब में आना अच्छा लगता है. यू एंजॉय टाइम एंड इट्स गुड फन. शोर मचाऊंगा बहुत सारा. देखिए मैं ड्रिंक और स्मोक नहीं करती हूँ लेकिन मुझे पता है कई लोग करते हैं, उनको इस बात से काफ़ी आपत्ति भी होगी. बट आई थिंक अगर हमारे नौजवान ज़्यादा ड्रिंक और स्मोक ना करें तो उनकी सेहत के लिए अच्छा ही है. आई थिंक यू नो यंगस्टर्स जो वैसे भी बहुत यंग होते हैं अपना ख्याल वैसे भी नहीं रख पाते हैं. सो आफ्टर दे आर ड्रंक बिकॉज आई हैव सीन मेनी यंगस्टर्स फॉलिंग ऑन द फ्लोर एंड यू नो वॉमिटिंग एंड दैट्स नॉट अ गुड स्टेट टू सी आई मीन एनीबडी इन. सो आई वुड से कि यू नो 25 ईयर्स जब आप क्रॉस कर लेते हैं तो आप में एक समझ आ जाती है. आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको पता है कि कितना पीना चाहिए कितना नहीं पीना चाहिए. सो आई थिंक और उससे पहले क्या होता है, जोश में इतना ज़्यादा आदमी पी लेता है कि उसे वाकई में होश नहीं रहता है कि क्या करना चाहिए. आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. थोड़ा देर तक खुला रहा है बस और अच्छा सर्विस दे लोगों को एंड कीप्स अ गुड क्राउड दैट कम्स आउट हियर एंड होपफुली पीपल एंजॉय देमसेल्व्स. काफ़ी उम्मीदें हैं कि द सर्विस इज गुड, द फूड इज गुड, द स्नैक्स अ गुड और जो लोग यहाँ पर आते हैं अपने आप को एंजॉय करें एंड दे गो बैक होम स्माइलिंग एंड हैप्पी, नॉट टू हैप्पी एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. मैं एडवाइस क्या दूँ, अच्छा जगह है, अच्छी चलनी चाहिए बस. इस जगह अंधेरी में वैसे भी बहुत ज़्यादा पब्स हैं नहीं और जो है वो इतने क्लासी नहीं है. तो आई थिंक अभी तक तो मुझे बहुत क्लासी लग रही है जगह. आई होप आई विश देम ऑल द बेस्ट कि ये बहुत अच्छी चलेगी.